दोस्तों मुंजा को रिलीज़ हुए 15 दिन हो चुके तो भी इसका जो खुमार है दर्शकों के दिमाग से उतर नहीं रहा है। 15 दिन भी इस मूवी ने लगभग 3 करोड़ रुपए के करीब की कमाई करी, जो कि कार्तिक आर्यन की चंदो चैंपियन से लगभग 30 लाख रुपए ज़्यादा है। इसी के साथ इसका इंडिया नेट कलेक्शन 70 करोड़ रुपये क्रॉस कर जाता है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 83 करोड़ रुपये हो जाता है। अब ये 17 करोड़ रुपये दूर है वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपये क्लब में शामिल होने से, और जिस हिसाब से इसकी स्पीड चल रही है तो ये जल्दी ये मुकाम भी हासिल कर लेगी। ऑक्युपेंसी की बात करें तो फ्राइडे को इसकी ऑक्युपेंसी में 14% के करीब रही थी। आज शनिवार है और आज छुट्टी भी है, तो आज इस मूवी के लगभग 5 करोड़ रुपए क्रॉस करने का पूरा मेरा अंदाजा है, और मुझे लगता है कि आज इसकी थिएटर में ऑक्युपेंसी 20% से ऊपर ही जाने वाली है। वैसे इस मूवी के बारे में खास बात यह है कि इस मूवी में कोई भी बड़ा स्टार नहीं है तो भी मूवी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। और दूसरी खास बात इस मूवी के बारे में यह है कि इसके अगेंस्ट कार्तिक आर्यन, जो कि अब बॉलीवुड में इस्टेब्लिश एक्टर हैं, उनकी चंदू चैंपियन के आगे भी ये मूवी उनसे बेटर परफॉर्म कर रही है और लोग इस मूवी को ही देखना प्रेफर कर रहे हैं ओवर चंदू चैंपियन। तो ये इस मूवी की खासियत है। और इस मूवी का जो बजट था 30 करोड़ रुपए है, ऑलरेडी ये मूवी 2 दिनों में 90 करोड़ रुपए के करीब कमा लेगी, मतलब अपनी कमाई का 3 गुना ये ऑलरेडी कमाने ही वाली है। लेकिन इस मूवी के लिए वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए कमाना आसान नहीं होगा, क्योंकि 27 जून को प्रभास की कालकी आ रही है, उसके बाद में इसका थिएटर से उतरना तय है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मूवी ग्लोबली लगभग उतर चुकी है। ये मूवी इस वक्त सिर्फ इंडिया में लगी हुई है, क्योंकि इसका ओवरसीज़ कलेक्शन है पिछले 3-4 दिनों से जो मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ वो 3.5 करोड़ रुपए पे अटका हुआ है। मतलब इंडिया से बाहर ये मूवी अभी किसी थिएटर में नहीं लगी हुई, या ये भी हो सकता है कि इसके वर्ल्ड वाइड नंबर अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगे। तो ये तो था मेरा वीडियो मुंजा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।